नमस्ते। वियतनाम विश्व का एक छोटा सा देश है जिसने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को झुका दिया था। लगभग 20 वर्षों के लंबे युद्ध के बाद आखिरकार जनवरी 1973 में अमेरिका को मजबूरन वियतनाम से शांति संधि करनी पड़ी। इस संधि के साथ ही अमेरिका और वियतनाम के बीच में युद्ध का अंत हो गया। इस युद्ध में अमेरिका को बुरी हार के साथ अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और उसके करीब 58,000 सैनिक मारे गए। अमेरिका पर विजय प्राप्त करने के बाद वियतनाम के राष्ट्रपति हो चो मिन्ह से एक पत्रकार ने सवाल पूछा। जाहिर सी बात है, सवाल यही होगा कि आप युद्ध कैसे जीते या आपने अमेरिका को कैसे झुका दिया। इस प्रश्न का उत्तर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, आपका सीना भी गर्व से भर जाएगा। वियतनामी राष्ट्रपति ने कहा कि सभी देशों में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को हराने के लिए मैंने एक महान और श्रेष्ठ भारतीय राजा का चरित्र पढ़ा। उस जीवनी से प्रेरणा और युद्ध नीति का प्रयोग करके हमने सरलता से विजय प्राप्त की। आगे पत्रकार ने पूछा कि कौन था वो महान राजा। दोस्तों, उस महान राजा का नाम सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वियतनाम के राष्ट्रपति हो चो मिन्ह ने खड़े होकर जवाब दिया। वो भारत के राजस्थान के मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह थे। महाराणा प्रताप का नाम लेते समय उनकी आंखों में वीरता भरी चमक थी। उन्होंने आगे कहा कि अगर ऐसे राजा ने हमारे देश में जन्म लिया होता तो पूरे विश्व पर शासन किया होता। कुछ वर्षों के बाद वियतनाम के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है। आपको जानकर ताजुब होगा कि उसने अपनी समाधि पर यह लिखवाया कि यह महाराणा प्रताप के शिष्य की समाधि है। वही महाराणा प्रताप जिसके बारे में अकबर ने कहा था कि अगर राणा प्रताप मेरे सामने झुकते हैं तो आधे हिंदुस्तान के वारिस वो हो गए, लेकिन बादशाह अकबर ही रहेगा। इस पर महाराणा प्रताप ने किसी की भी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। कालांतर में वियतनाम के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के क्रमानुसार उन्हें पहले लाल किला और बाद में गांधी जी की समाधि दिखलाई गई। ये सब दिखलाते हुए उन्होंने पूछा कि मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप की समाधि कहाँ पर है। तब भारत सरकार के अधिकारी चकित रह जाते हैं और उन्होंने उदयपुर का उल्लेख किया। वियतनाम के विदेश मंत्री राजस्थान के उदयपुर जाते हैं, वहां पर उन्होंने महाराणा प्रताप की समाधि के दर्शन किए और समाधि के दर्शन करने के बाद उन्होंने समाधि के पास से कुछ मिट्टी उठाई और उसे अपने बैग में भर लिया। भारतीय अधिकारियों ने मिट्टी रखने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मिट्टी सूरवीरों की मिट्टी है, इसमें एक महान राजा ने जन्म लिया था। यह मिट्टी मैं अपने देश की मिट्टी में मिला दूंगा ताकि मेरे देश में भी ऐसा ही वीर पैदा हो। दुर्भाग्य मेरे देश का यह है कि इस देश के अंदर जितने भी परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में विजय किसकी हुई थी, तो झूठा इतिहास पढ़ा जाता, कहा जाता अकबर की विजय हुई थी, लेकिन वास्तव में इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। दोस्तों, ऐसी वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।